स्टेट गवर्नमेंट ने डेटा जो बताया है उसमें 238 का इन्होंने अभी डेथ टॉल बताया हुआ है और 600 से ज़्यादा इंजर्ड लोग हैं। सेकेंड प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी कि जो जैसे जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं उनकी बॉडीज़ जो है उनके परिजनों को उनसे मिला दिया जाए, जो भी फॉर्मेलिटीज़ करानी है उसके लिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, उनका एक्सग्रेशिया पेमेंट वगैरह तुरंत हो जाए। करीब 100 से ज़्यादा व्यक्तियों ने एक्सग्रेशिया पेमेंट मतलब क्लेम कर लिया है। 3 काउंटर बनाए गए हैं, 3 जगहों पर अलग अलग चल रहे हैं, बालासोर में, सुरू में और बहानगर बाजार में, तीनों जगह पे पेमेंट कराई जा रही है। देखिए कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी साउथ ईस्टर्न रेलवे ये साइट पर उनकी कमेटी उनके द्वारा वो उसके हेड हैं और साइट पर ये किसी भी समय पहुंच सकते हैं अपना इंक्वायरी की शुरुआत करने के लिए। साइट इंस्पेक्शन सबसे पहला कदम होता है, वो कुछ ही क्षणों में पहुंच जाएंगे तो इंक्वायरी की फॉर्मल शुरुआत हो जाएगी। कितनी ट्रेन्स? देखिए 48 ट्रेन्स देखिए कैंसल्ड हैं अभी, 39 डाइवर्टेड हैं और शॉर्ट टर्मिनेटेड हैं 10। लेकिन ये अभी ये फिगर अभी अगले कुछ समय में चेंज भी हो सकता है क्योंकि हम स्थिति पल पल बदलती जा रही है। इसके साथ ही साथ रेलवे का यह मतलब हम लोग की प्राथमिकता है कि जो पैसेंजर्स स्ट्रैंडेड हैं, जो कल ट्रेनें जगह जगह रुक गई थी, उनको अपने उन यात्रियों को अपने गंतव्य स्थल पर जल्दी से जल्दी पहुँचाया जा सके। तो सबसे पहले जो बेसिक पैसेंजर एमिनिटीज़ है उनको खाना खाने का पैकेट मुहैया कराना, उनको पानी मुहैया कराना और जगह जगह अलग अलग मंडलों में DRMs ने टीम गठित कर दी है जो अपने हर DRM अपने अपने एरिया में इसको मॉनिटर कर रहे हैं ताकि पैसेंजर्स को कोई दिक्कत ना हो। स्पेशल ट्रेन चला करके कल जो ये 2 ट्रेन इन्वॉल्व थी घटना में पैसेंजर ट्रेन, तो हावड़ा की तरफ 2 ट्रेन चली हैं जिसमें एक में 1000 की कैपेसिटी के लोग गए हैं, दूसरे में 200 लोग टूवर्ड्स हावड़ा गए हैं। साथ ही साथ भद्रक से एक ट्रेन अप की तरफ चली है चेन्नई की तरफ, उसमें 250 लोग गए हैं। तो ये स्थिति है। सर ये लाइन कब तक नॉर्मलाइज हो जाएगा, क्योंकि एक एस्टिमेट जो रेलवे लगा रहा है? देखिए हमारे रेल मंत्री साहब खुद ही साइट पे मौजूद हैं तो जितना जल्दी से जल्दी रेल प्रशासन काम कर सकता है वो कर रहा है। अभी इस स्थिति में कोई फोरकास्ट देना साइट रेडीनेस का थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी, लेकिन जल्दी से जल्दी प्रयास यही है कि जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट से क्लियरेंस मिलेगा रेस्टोरेशन वर्क शुरू कर दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।